हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम 9 से स्टार्ट करेंगे हम, और ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन पे गौर करेंगे आप अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं ये, तो पहला देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 है प्रूव दैट टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन 1+x। एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो बताइए क्या इसमें क्या कर सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड जो कि है 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1+x। तो आपके माइंड में आ रहा होगा x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पुट कर दें, क्योंकि ऐसे केसेस में जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यही माइंड में आता है कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है फॉर्मूला लग जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला। उसके बाद आगे सॉल्व हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ थोड़ा करके, रूट लगा होता है तब जो है एक्स इक्वल टू हम कॉस 2 थीटा पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ रूट नहीं है। दूसरी बात, एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट अगर करते हैं हम, तो ये बन जाता है 1 - tan² θ अपॉन 1+tan² θ, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और यहाँ भी कॉस इनवर्स है। तो सब्स्टिट्यूशन जो है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यही है कि एक्स इक्वल टू हम पुट करें टेन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं क्या होता है राइट हैंड साइड, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - tan² θ अपॉन 1+tan² θ। क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री के जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, वो अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में उनका बहुत यूज़ है। यहाँ भी आपने देखा ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है कॉस 2 θ का, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आपको पता है ये फॉर्मूला क्लास 11th में है, तो ये जो है ये फॉर्मूला है कॉस 2 θ का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पर 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 θ, ठीक। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 θ, सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे यहाँ से, ये सब्स्टिट्यूशन जो है ना यहाँ से फाइंड करेंगे थीटा। तो पहले फाइंड करते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा हो जाएगा रूट ऑफ एक्स, और आगे हम देखें थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स, राइट। तो ये आपका ये जो थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर समझो कुछ खास बात है, देखो अगर ये होता रूट के अंदर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम पुट करते इसमें क्या कॉस 2 θ, क्योंकि ये जो है रूट के अंदर होता है कॉस 2 θ पुट करते हैं, तो ये इस तरह से हो जाता है 1 - cos² θ अपॉन 1+cos² θ, राइट। और इस तरह से ये हो जाता है 2 sin² θ ओवर 2 cos² θ, ये कैंसिल हो जाता है, ये होता है 10² θ रूट के अंदर, और इस तरह से हो जाता है 10² θ हट जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है हम कॉस 2 θ पुट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर 10² θ पुट करने का रीजन यही है
क्योंकि जैसे ही हम टेन स्क्वेयर थीटा पुट करते हैं एक्स के प्लेस पर, ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस टू थीटा का, और कॉस इनवर्स इसके आगे है। तो रीजन समझ में आ गया होगा आपको हमने टेन स्क्वेयर थीटा क्यों पुट किया यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हम ये कंडीशन होती है, ज़्यादातर केसेस में जो हमने आपको यहाँ से यहाँ तक ये करके दिखाया था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई एक बार आ चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको ये जो है ना रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, इसके बारे में कुछ बता दें। रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, देखो ऐसे केसेस में हम दो तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। एक तो कर सकते हैं सभी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, जितने भी साइन है ये साइन को कॉस में कैसे करेंगे, एंगल को पाई बाई टू में से माइनस कर दो। जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे कॉस में हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वो हमें सॉल्व करना आता है अच्छे से कैसे करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम चेंज ना करें तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस आइडेंटिटी के बारे में। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो ये देखो, साइन एक्स में साइन टू थीटा का जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर देंगे, इसे लिख सकते हैं 2 साइन xy2 इंटू कॉस एक्स वाई टू। और जो वन लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला में साइन स्क्वेयर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स वाई टू। ठीक है, और ये जो है ना ये हो सकता है क्या, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू होल स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, उसे आप लिख सकते हैं यही सेम जो है फॉर्मूला अप्लाई करके, इसे लिख सकते हैं आप साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू होल स्क्वायर। देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको आप जो है कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। देखो इसको ओपन करेंगे तब भी यही आएगा, इसको ओपन करेंगे तब भी वही आएगा, सेम आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। नहीं, अभी जो है हमें ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस साइन एक्स जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पर हमें कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर लिखना है, या साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर लिखना है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास आगे क्या है, यहाँ पर टेन इनवर्स है या कॉट इनवर्स है। ठीक है, कॉट इनवर्स है तो कॉस एक्स वाई टू आगे रखेंगे हम और साइन एक्स वाई टू रखेंगे पीछे। ठीक है, इसे मैं करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसे हटा देते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, कॉट इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट के अंदर ही आपका
वन माइनस साइन एक्स, और होल अपॉन लिखा हुआ है ये होल अपॉन में ये है रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस है माइनस रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखें इस चीज़ को हमने समझाया अलग से यहाँ तक ये आप देखें क्या किया हुआ है, इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर अब। ठीक है, तो देखें कैसे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू इसे लिखें आप कॉट इनवर्स, देखो वन प्लस साइन एक्स इसको लिख सकते हैं आप रूट के अंदर, क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो ये लिखा है हमने, ठीक है, और प्लस सेकंड जो स्क्वायर रूट में है इसको लिखेंगे हम कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। ये हमने कॉस आगे क्यों रखा है इसका रीजन आपको मालूम पड़ेगा अभी, माइनस साइन एक्स वाई टू और इसका आपका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता दूं आपको, इसका रीजन आपको मालूम पड़ेगा अभी कि कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू क्यों रखा है हमने कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, क्योंकि यह कॉट है ना, तो ये जब सॉल्व करेंगे हम ऊपर कॉस बचेगा अपॉन में साइन बचेगा तो कॉट बन जाएगा ये। अगर यहाँ टेन होता ना, अगर यहाँ टेन इनवर्स होता तो इसे कर देते हम इंटरचेंज, यहाँ रखते साइन एक्स वाई टू, यहाँ रखते कॉस एक्स वाई टू, इसी तरह से यहाँ रखते साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू। ठीक है, इसे दो तरह से हम कंप्राइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें अपॉन में क्या है, अपॉन में वही बात है, सेम है। देखें यहाँ लिख देंगे आप रूट ऑफ कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर। राइट, अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा सबसे, तो ये हो जाएगा इस तरह से ये होगा कुछ इस तरह से कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू होल अपॉन कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू और माइनस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। राइट, इस तरह से, और इसके आगे कॉट इनवर्स है तो आप यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। राइट, आगे आपको पता है कि न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन बिटवीन टू ब्रैकेट्स, तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन एक्स वाई टू और ये साइन एक्स वाई टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन डिनोमिनेटर। देखिएगा, व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट द साइन ऑफ दिस माइनस साइन एक्स वाई टू विल बी चेंज्ड, यानी पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, ओपन करेंगे ना ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट ओपन करने पर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
तो कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन एक्स बाई टू हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर ये साइन एक्स बाई टू ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो, और ये कॉस कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ बचेगा टू साइन एक्स वाई टू, राइट, टू से टू कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई टू। अब आपको समझ में आया होगा हमने कॉस आगे क्यों रखा, हमने कॉस आगे क्यों रखा, क्योंकि ये कॉट आ गया, अगर हम साइन आगे रखते ना ये, तो यहाँ आता टेन, जब टेन आता तो हमें कॉट में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ कॉट इनवर्स है, तो कॉट में करने के लिए पाई वाई टू में से एक्स वाई टू माइनस करना पड़ता, राइट। तो यहाँ इस तरह से अभी सॉल्यूशन में जो इसका आंसर है वो कितना है, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बेटा एक्स बाई टू, यहीं लिख देते हैं इसे आगे एक्स बाई टू, राइट। ये इसका हो गया प्रूव, हो गया ये जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, एक्स बाई टू प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है वो लाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि भाई साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू के बजाय हमें लिखना है कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, ठीक है। ये पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए माइनस बी होल स्क्वायर जब करते हैं ना, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं, दोनों को ओपन करके देखना आप, दोनों को जब ओपन करेंगे ना ये सेम है, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है हम ए माइनस बी को बी माइनस ए भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर अगर है तो, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस वन कॉमन ले लो, तो इसका होल जो पावर है वो साथ में आएगा, जब होल पावर साथ में आएगा और माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, यह हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ना, तो यानी कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी बता सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वही वीडियो हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा मैं। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, यस देखो आ गया, वही वही आई बताया था जो, यहाँ देखो, यहाँ आपने देखा वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स रूट के अंदर है कि नहीं, तो रूट के अंदर जब होता है वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कॉस टू थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, हमने नाइन्थ क्वेश्चन में जो बताया था आपको वही बात यहाँ पर आई हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आप लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो भाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप बताओ इसमें एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करें, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था, आप जब तक सोचिएगा एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करें, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन है, क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, रूट के अंदर वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स है, तो हमने बताया था ऐसी सिचुएशन में एक्स इक्वल्स टू पुट करते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम एक्स इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, राइट। चलो करिएगा, तो x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट कर दें तो क्या बनता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा और प्लस रूट ऑफ
वन माइनस कॉस टू थीटा, राइट। और हमने हमने जो है इस बात पर बहुत बार एम्फेसाइज किया है कि वन माइनस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा होता है, तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि वन प्लस कॉस टू थीटा जो एंगल, ये आपका फॉर्मूला है, ये कन्वर्ट होता है कॉस हाफ एंगल फार्मूला कॉस में, ठीक है ना। यानी कि आपको ये बार बार याद दिलाया जाता है कि वन माइनस कॉस टू थीटा ये कन्वर्ट होता है बच्चे टू साइन स्क्वायर थीटा में, और वन प्लस कॉस टू थीटा होता है तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम टू साइन की जगह कॉस हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। हाफ एंगल फार्मूला, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा है तो कॉस रहेगा, और वन माइनस कॉस टू थीटा है तो साइन हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ हो जाता थीटा बाई टू, राइट। चलिएगा इसे लिखें, रूट के अंदर है ये दोनों, रूट के अंदर है। यहाँ पर देखें ये क्या होगा, रूट के अंदर टू वन प्लस कॉस टू थीटा, क्या होगा ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में हो जाएगा बच्चे टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा बता दूं आपको, जब ये वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स होता है रूट के अंदर, तो एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, इसके बाद ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है साइन में और ये हो जाता है कॉस में, ठीक है ना। ये जो है ये कई एक बार हमारे सामने आएंगी सिचुएशन इस तरह की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। अब जो है रूट के अंदर जब लिखा हुआ है ये, तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट टू बचेगा यहाँ पर, रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा होल अपॉन रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। रूट टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, और रूट टू कॉमन लेके जब कैंसिल करेंगे ना, तो ये बचेगा कुछ इस तरह से टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह की सिचुएशन भी आपको कई एक बार मिलेगी, जब कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, ऐसे केसेस में हम हमेशा कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे हम, टेन इनवर्स डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा ये वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का, ठीक है। ये हो जाता है बेटा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, इस तरह से। क्यों क्यों बन जाता है, क्योंकि आप जब ओपन करना, आप करके देखना ऐसे, यहाँ पर जो है मैं बता दूँ, आप जो है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा को ओपन करना बच्चे, इसे ओपन करना कौन से फॉर्मूले से, टेन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे ना, जब यहाँ पर ए आपका पाई बाई फोर है और बी आपका थीटा है, ठीक है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए
माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ई टेन बी, राइट। तो आपको यही मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि टेन पाई फोर वन हो जाएगा, ठीक है ना, टेन पाई फोर वन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो आगे जो है हम टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा ये पाई आई फोर माइनस थीटा। एट द एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन जो है एक्स के टर्म में है, सब्स्टिट्यूशन में हमने थीटा यूज़ किया था, तो लास्ट में जो आंसर एक्स में आना चाहिए। तो यहाँ से टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करेंगे बेटा थीटा की वैल्यू, तो हो जाएगा ये पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ये जो प्रूव करना था, ठीक। चलिए इसमें बेटा ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। पहली बात सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करें। ये मैं बता रहा था आपको कि ये केवल इसी क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ें नहीं है, ये कई क्वेश्चंस में आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है कब क्या करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यस, सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इजी क्वेश्चन, प्रूव करना है इसमें भी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बड़ा साइड लेते हैं पहले, बड़े से छोटा प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3, राइट। तो यहाँ बेटा कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें, 9 अपॉन 4 कॉमन ले लो, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा कॉमन लेने के बाद पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, ईजी। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है क्या, पाई बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को यहाँ लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो ये जो है ना, ये आपका जो है सेम यहाँ पर है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 9 बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स कितना है, एक्स कितना है 1 बाई थ्री, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 1 बाई थ्री, ठीक है। ये पाई बाई टू तभी होता है जब ये दोनों सेम होते हैं, एक साइन इनवर्स होता है एक कॉस इनवर्स होता है, ठीक है। मिस्टेक बच्चे ये भी कर देते हैं यहाँ पर जो है, अगर इक्वल ना हो तब भी कर देते हैं ऐसा ना, तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू नहीं होता, ये तभी होता है जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस साइन वर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस साइन वर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, एक्स सबका यही रहेगा जो साइन वर्स में है, ठीक है ना। अब बताओ क्या करना चाहिए, 9/4 आंसर लाना है बेटा साइन में ना, 9/4 तो है, तो इस कॉस को यानी कि हमें कन्वर्ट करना है साइन में। तो कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, कॉस बेटा कॉस इनवर्स को साइन में करने के लिए, कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है साइन में, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स आ जाए, क्या करना चाहिए पता है,
यहाँ पर फॉर्मूला होता है बेटा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, कॉस को साइन में करना है तो। और इसी तरह से अगर साइन को करना हो कॉस में, ऐसे भी तो कभी आ सकता है, तो ये भी ऐसे सेम होगा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, राइट। तो ये साइन को, साइन इनवर्स को कॉस में और कॉस इनवर्स को साइन में करने के फॉर्मूलाज हैं। तो कौन सा, कॉस को करना है साइन में, क्यों, क्योंकि साइन में आंसर आ रहा है, ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स रूट ऑफ क्या, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, हो जाएगा 1/9, ठीक है ना। इस तरह से ये होगा 9/4 और साइन इनवर्स रूट ऑफ 8/9, ठीक है ना। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आने वाला है, आ चुका है लगभग, इसे लिख सकते हैं 2√2/3, ठीक है ना। ये हमारा हुआ राइट हैंड साइड, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैं आपको बता दूं दोबारा से बीच में कि ये क्वेश्चंस जो है सारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन को जो है एक बार अच्छे से देख लें। साइड में मैंने सारा फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कोशिश की है सारे बताने के लिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई बातें नहीं समझ में आई हैं आपको, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व करना है। अब जो सॉल्व करना है इसमें, तो हम क्या करें, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखो बेटा, अब यहाँ पर जो है हम चलते हैं, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 2 tan inverse cos x = tan inverse 2 cosec x, राइट। देखो सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ये 2 tan inverse cos theta, यहाँ पर लिखा हुआ है tan inverse। अगर यहाँ 2 ना होता तो tan inverse से tan inverse कैंसिल हो जाता, बस यही यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 कैसे हटाएं। इस 2 को हटाने के लिए क्या करें कि 2 हट जाए और 10 रहे, जिससे कि बात को कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ पर 2 tan inverse x, 10 रखना है हमें और 2 हटाना है, 10 में रखना है, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है बेटा tan inverse 2x/1 - x². ये फार्मूला वो है जो tan inverse के आगे से 2 हटाता है और 10 ही रखता है, tan inverse, ठीक है ना। एक और होता है फार्मूला 2 tan inverse x का, यहाँ से भी 2 हट जाएगा लेकिन 10 की बजाय साइन हो जाएगा। ये होता है फार्मूला साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। यहाँ माइनस है 10 में रखना है तो, और यहाँ प्लस है, ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। और एक और होता है 2 tan inverse x, ये बेटा वो है 2 हट जाएगा लेकिन कॉस बन जाएगा, 2 तो हट जाएगा लेकिन कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं 2 tan inverse x के हैं। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूले अप्लाई करें हम। राइट हैंड साइड में tan inverse है ना, तो ये वाला करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है ना। चलो करो, यहाँ पर 2 tan inverse x,
यहाँ पर टू टेन वर्स एक्स के प्लेस पर ये है, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले टू हटाएं यहाँ से, तो टेन इनवर्स हो गया। क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स के प्लेस पर क्या है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू, आपको ये बात पता लग गई होगी अब कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है। कौन सा, ये वाला ही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया ना। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा क्योंकि जब तक टू रहेगा जब तक ये कैंसिल नहीं हो सकते। जब ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, जो कि हो गया साइन स्क्वायर एक्स ओके। और यहाँ हो जाएगा टू और कोसेक एक्स ठीक है ना, कोसेक को साइन लिख सकते हैं वन अपॉन साइन, टू से टू कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन साइन एक्स राइट, स्क्वायर हट जाएगा ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स राइट इक्वल्स टू वन। तो आप कॉट देख सकते हैं कितना होता है वन ठीक है ना, कॉट देख सकते हैं आप कितना होता है कॉट, सॉरी आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू, कॉट कितना होता है कॉट पाई बाई फोर ओके, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, क्या सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, और एक्स की वैल्यू रही आपकी ये ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व का मतलब वही, इसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब वही एक्स की वैल्यू फाइंड करना ठीक। चल लिखते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं पहले टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स राइट। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इस टू को ही ले जाएंगे आगे इसके ठीक है ना, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, दोबारा वही सिचुएशन, यहाँ टेन इनवर्स है और यहाँ टेन इनवर्स के आगे टू लगा हुआ है, तो वही टू टेन इनवर्स के आगे से हटाना है जिससे कि टेन इनवर्स हट जाए। तो टू हटाने के लिए टेन इनवर्स के आगे से, और टेन रहे वो, तो जो बताए थे पिछले लास्ट क्वेश्चन में ना, टू हटाने के लिए टेन इनवर्स के आगे से टू हटाने के थ्री फॉर्मूलाज हैं, एक टेन इनवर्स में कन्वर्ट होता है, एक कॉस इनवर्स में, एक होता है साइन इनवर्स में ठीक है। तो टेन वाले यूज़ करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेन वाला, और टेन वाला फॉर्मूला होता है बच्चे टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स के प्लेस पर रहा ये टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है एक्स के प्लेस पर। तो यहाँ जो राइट हैंड साइड में एक्स लिखा हुआ है ना, इसके प्लेस पर क्या आएगा, ये आएगा सारा, ये सारा ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अभी, इस वाले फॉर्मूले को चलो देखते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स क्या आएगा बताओ, टू वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, ये तो हो गया बच्चे टू एक्स अपॉन
ये हो गया टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर कस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो बचेगा उसे लिख देते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर ऐसे रखें, टू ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में बेटा एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर है दोनों के लिए, तो होल स्क्वायर ये सेपरेट हो जाएगा, और एलसीएम जब लेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स होल स्क्वायर और होल अपॉन में कितना वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे, और यहाँ पर बचेगा बेटा एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर हो गया, ये अपॉन है, सबके अपॉन में है, ये न्यूमरेटर हो गया इसका, ये न्यूमरेटर हो गया इसका, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा इसे एक कष्टो एम्प्लाई डेट लगाएंगे कष्टो, ये हो जाएगा बेटा टू, अभी ऐसे लिख देते हैं वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स होल अपॉन, इसे जब ओपन करेंगे ना, इसे ओपन कर दें आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी टू एक्स, ये और माइनस यहाँ लगा दें ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट, मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ इसमें, होल अपॉन में कितना वन प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये वाला, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और ऊपर बचेगा यहाँ पर टू एक्स पॉजिटिव ये वाला, टू एक्स पॉजिटिव ये वाला, फोर एक्स बचेगा, राइट। तो इस तरह से ये हो जाएगा न्यूमरेटर इसका हो जाएगा ये टू इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और बेटा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और होल अपॉन कितना होल अपॉन में बेटे फोर एक्स, राइट, जो कि इसका न्यूमरेटर है ये वाला, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। इसे सॉल्व करना है आपको, इसको क्या करेंगे आप, इसका ये जो है ना स्क्वायर हट जाएगा, और ये जो है ना ये टू से ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स, ठीक है, ये टू एक्स है, टू एक्स जो ये रहा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आप इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ से बेटा जगह यहाँ देखते हैं, ये हुआ देखो, यहाँ है वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स को यहाँ पहुँचा दिया, तो ये हो गया कुछ इस तरह से टू एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 रहा ये। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 क्वेश्चन क्या है देखो,
15 रहा क्वेश्चन नंबर, ये सिंपल है। ये क्या करना है हमें, ये किसके इक्वल है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, लेट इसे y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स x। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसको आपको साइन की जगह साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन में जब ये कन्वर्ट करेंगे ना तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर टी रेशियो चेंज करना पड़ता ना, तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं थीटा। लेट टेन वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और टेन थीटा क्या होता है अपन वन मान सकते हैं इसे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल थीटा हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, ये हो गया बेस एक्स, ये हो गया रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लेना है, टेन ले लो यहाँ पर, ठीक है ना, टेन ऑफ थीटा, सॉरी टेन तो दे रखा है, साइन में कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ लेंगे बेटा हम साइन ऑफ थीटा, यहीं से कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ पर थीटा क्या था, थीटा था बेटा, थीटा था टेन इनवर्स एक्स में, थीटा जो कि ये रहा ना थीटा। अब यहाँ पर थीटा किस में है, थीटा है साइन वर्स एक्स में, यहाँ पर साइन वर्स तो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पर थीटा एक कष्ट हो जाएगा साइन वर्स ये, ठीक है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, आप जो है थीटा को जो यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर ये एजिम किया हमने, तो ये वाई कष्ट कितना हो गया, ये वाई कष्ट हो गया बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाई कष्ट कितना साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन यही आप ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन ये थीटा है ना, थीटा को आप पुट कर देंगे साइन वाली वैल्यू में इसमें, तो ये हो जाएगा वाई कश टू कितना, वाई कश टू साइन साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो y इक्वल टू जो एज्यूम किया था हमने यहाँ पर, यही तो वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका इसका ऑप्शन कौन सा है इसमें, इसका ऑप्शन है बच्चे डी ऑप्शन, इसका राइट है, ये ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एक बार फिर देख लेते हैं, एक वीडियो में मैंने कराया था ये क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखें कैसे करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए देखते हैं, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। इसको जो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, ठीक है ना। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पर वन माइनस एक्स है, और ये है माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स जब हट जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये एंगल हो गया एक तरह से, ठीक है ना, कॉस के लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा मान लेना ऐसे, ठीक है ना। तो ये माइनस हट जाएगा कॉस के लिए, तो हो जाएगा ये कॉस ऑफ टू साइन
इनवर्स एक्स। इससे आगे क्या करना है, आगे ध्यान रखना आपको, इसको एज्यूम करेंगे आप कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा की कई एक फॉर्मूलाज हैं, एक साइन में, एक कॉस में है, एक साइन कॉस में, एक टेन में है, तो हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूला साइन वाला, क्योंकि साइन में है ये ना। तो साइन में कॉस टू थीटा मान लें अगर इसे, तो साइन वाला फार्मूला क्या होता है, वन, आपको पता है साइन वाला फार्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा आइडेंटिफाई करना क्या है इसमें, इसे हमने माना था कॉस टू थीटा, थीटा माना था हमने, ये कॉस टू थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा क्या हो गया साइन। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने साइन वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में लिखा हुआ है वन माइनस एक्स, इसे आप लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, इक्वल टू वन माइनस एक्स। अब यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप यहाँ इसके आगे देखेंगे, यहाँ से देखो, यस, तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा ये एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू एक वैल्यू जीरो आएगी और एक आएगी आपकी वन बाई टू, ठीक है ना। अब एट द एंड वी हैव टू सी विच वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी दोनों सेटिस्फाई कर जाती हैं तो दोनों सोल्यूशन होते हैं, कभी कभी दोनों में से एक सेटिस्फाई करती है तो एक ही सोल्यूशन होता है। तो क्या करना है आपको, लास्ट में एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देना है गिवन इक्वेशन में इसमें, उसके बाद एक्स इक्वल टू वन बाई टू के लिए भी चेक करना है, जिसके लिए सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन होंगे, दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो साइन इनवर्स वन माइनस जीरो, साइन इनवर्स वन माइनस टू, माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, राइट, इक्वल टू पाई बाई टू, जीरो के लिए देखते हैं वन बाई टू क्योंकि तो आपका जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो है तो साइन इनवर्स जीरो, और साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, साइन इनवर्स जीरो होता है जीरो, तो इस तरह से ये पाई बाई टू हो गया, साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि एक तो सॉल्यूशन जीरो है ये 100%, है ना, ये तो प्रूव हो गया। वन बाई टू के लिए भी और चेक कर लेते हैं, ठीक है, वन बाई टू के लिए चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं इफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ पुट करेंगे बेटा तो हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई टू, यानी वन माइनस वन बाई टू ये बचेगा, माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू इक्वल, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाई टू होता है बेटा पाई बाई सिक्स, माइनस टू इंटू पाई बाई सिक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये आपने देखा ये पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि ये पाई बाई सिक्स माइनस का इक्वल टू पाई बाई टू, नहीं डेट इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू, तो हम कह सकते हैं देर देर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन, कौन सा, एक्स इक्वल टू जीरो, तो बेटा इसका ऑप्शन हो गया ओनली सी, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों दे रखे ना, ए ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्यों है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो ही गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।